धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष, राज्य और व्यापार की इच्छा वाले मनुष्यों को क्या करना चाहिए, यह इस मंत्र में कहा है। समुद्रम गच्छेतादेर दीर्घतमा ऋषि सेनापतिर देवता याजुष्य उष्णे षच्छन्दासी ऋषभ स्वरः। समुद्रम गच्छ स्वाहा, अंतरिक्षम गच्छ स्वाहा, देवागुं सवितारं गच्छ स्वाहा, मित्रावर्णौ गच्छ स्वाहा, अहोरात्रि गच्छ स्वाहा, छन्दांसि गच्छ स्वाहा, द्यावा पृथ्वी गच्छ स्वाहा, यज्ञं गच्छ स्वाहा, सोमं गच्छ स्वाहा, दिव्यं नभो गच्छ स्वाहा, अग्निं वैश्वानरं गच्छ स्वाहा, मनो मे हार्दि यच्छ दिवं, ते धूमो गच्छतु स्वर्ज्योतिः, पृथ्वीं भस्मना प्रिण स्वाहा। जो मनुष्य व्यापार करना चाहते हैं वे भूमि पर चलने वाले यान, अंतरिक्ष और आकाश मार्ग पे जाने वाले विमान, इनका उपयोग करें। जो विमान आकाश मार्ग से जाते हैं, जो अंतरिक्ष में भी भ्रमण करते हैं, ऐसे नाना प्रकार के यंत्रों को, विमानों को बनाकर सब सामग्री को जोड़कर धन और राज्य का विस्तार करने के लिए उपयोग करें। धर्म का विस्तार करना हो तो भी यान का प्रयोग करें, राज्य का विस्तार करना हो तो भी विमानों का प्रयोग करें। पुरुषार्थ चतुष्टय में काम और मोक्ष के लिए भी, अर्थात भोग और योग साधन करने के लिए भी, अनुकूल प्रदेश में जाने के लिए विमानों का प्रयोग करना चाहिए। ऋषि कहते हैं कि धर्म की इच्छा करने वाले हे शिष्य, तू बड़े बड़े अश्वतरी, नाव, धुआंकश आदि बनाने की विद्या से नौका आदि यान पर बैठकर समुद्र को जा, और खगोल प्रकाश करने वाली विद्या से सिद्ध किए हुए विमान आदि यानों से आकाश को जा। वेदवाणी से प्रकाशमान सबको उत्पन्न करने वाले परमेश्वर को जान। वेद और सज्जनों के संग से शुद्ध संस्कार को प्राप्त हुई वाणी से प्राण और उदान को जान। ज्योतिष विद्या से दिन और रात्रि, तिथि, नक्षत्र आदि के गुणों को जानकर वेदांग विज्ञान सहित वाणी से ऋग, यजु, साम और अथर्वेद, इन चारों वेदों को अच्छे प्रकार से जान। भूमियान, आकाश मार्ग विमान और भूगोल और भूगर्भ आदि यान बनाने की विद्या से भूमि और सूर्य प्रकाशस्थ अभिष्ट देश देशांतर को जान। संस्कृत वाणी से अग्निहोत्र करके धर्म और राजनीति को प्राप्त हो। वैदिक विद्या से औषधि समूह सोमलता आदि को जान। जल के गुण और अवगुणों को बोध कराने वाली विद्या को जान। बिजली, आग्नेय अस्त्र आदि सब यंत्रों को प्रकाशित करने वाली विद्या से अग्नि को जान। और हे मेरे योग्य शिष्य, मेरे मन को प्रीति युक्त सत्य मार्ग में स्थित कर, अर्थात मेरे उपदेश और शिक्षा के अनुकूल व्यवहार कर। तेरे द्वारा किया गया यज्ञ फलित होकर तेरे विज्ञान को और उन्नत करे। तुम द्यूलोक अंतरिक्ष लोक तक पहुंचो। तुम्हारे द्वारा अग्निहोत्र में भस्म की गई काष्ठ तुम्हें पृथ्वी, अंतरिक्ष और सूर्य लोक तक की यात्रा कराने में फलित हो। अब व्यापार करने के लिए राज्य प्रबंध कैसा होना चाहिए, यह अगले मंत्र में कहा है।